मनुष्य को सिर्फ अपनी और अपनों की मृत्यु ही डरावनी लगती है, बाकी तो वो पूरा जीवन ही मौत का उत्सव मनाता है, मौत का स्वाद लेता है, मौत के चटकारे लेता है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन जिसने भी लिखा है मन से लिखा है, क्योंकि जो मनुष्य आज कोरोना से खुद की मौत को लेकर इतना डरा हुआ है, उसे यह डर सिर्फ अपनी मौत और अपनों की मौत के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य ही जीवन भर मौत का जश्न मनाता है, मौत का स्वाद लेता है, कभी बकरे का तो कभी पाए का, तीतर का, मुर्गे का, ताजा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सेका हुआ, और न जाने कितने अनगिनत स्वाद हैं मनुष्य के इस मौत के। इतना ही नहीं, मौत का यह स्वाद अब तो कारोबार में भी बदल गया है। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, देखो तो सही इस मनुष्य को, नाम पालन का और मकसद हत्या, सिर्फ और सिर्फ उन बेजुबानों की हत्या। आज गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट मौत का कारोबार नहीं है तो क्या है? मौत से ये प्यार और उसका कारोबार इसलिए है क्योंकि मौत उसकी नहीं है, बेजुबानों की है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया, कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियों को नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर था, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी और उसकी भी एक मां थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा भी होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें भी निकली होगी और उसने बददुआएं भी दी होंगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या वो उसकी रचना नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? यह कड़वी बातें सुनकर हो सकता है आप में से कुछ ज्ञानी मुझे ज्ञान देने चले आए कि लोग तो महामारी से मर रहे हैं और यहां मैं अपना ज्ञान झाड़ रहा हूं। तो सुन लो, यह ज्ञान नहीं, यह कड़वी हकीकत है मनुष्य की, यह मनुष्य का कड़वा सच है और इसी कारण से यह सब हो रहा है। आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए, उन बेजवानों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है, क्योंकि जब से मनुष्य पर इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, वो स्वच्छंद भ्रमण कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। इस कोरोना काल में उन बेजवानों को पहली बार इस धरती पर अपना कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो, धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया। सृष्टि के रचयिता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी, घर में घुस के मारा है और मार रहा है, और हम सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कभी घंटियां बजाते हैं, कभी इबादत कर रहे हैं, खुद के प्राणों की रक्षा की उस परमात्मा से भीख मांग रहे हैं, उस ईश्वर से कह रहे हैं हमें बचा लो। अरे धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरा काटते हो, कभी दुर्गा माया भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, मीट के मार्केट में रोज लाखों बेजवानों को जिंदा काटा जा रहा है, जिंदा तला जा रहा है, जिंदा भुना जा रहा है, सिर्फ मनुष्य के स्वाद के लिए। कभी सोचा है ईश्वर का स्वाद क्या है? क्या है उनका भोजन? ये दिखावा करके किसे दिखा रहे हो? मैं मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, अभी तो रोजे चल रहे हैं। अरे नहीं यार, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। अरे किसे ठग रहे हो? किसे दिखावा दिखा रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, या जीसस को, या खुद को? और फिर इनके कुतर्क तो सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है,
तो क्या वो भी खाना छोड़ दें? तो सुन लो, फल सब्जियों में संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्मती हैं, इसलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ मनुष्य को दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को शंभू समझ लिया, भगवान समझ लिया। लेकिन आज कोरोना के रूप में मौत हम सबके सामने खड़ी है। क्यों? हम यही सिखाते हैं ना सभी को कि हम जो प्रकृति को देंगे वो वही हमें लौटाएगी। तो हमने मौत ही तो दी है प्रकृति को, इसलिए अब वो मौत ही लौटा रही है। फिर अब त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों? सुन लो, यह संकेत मात्र है ईश्वर के न्याय का। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी आदतों को बदलो, प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा इस काम को करने में, फिर चाहे वो धरती पर मनुष्य ही क्यों न हो, क्योंकि उसका न्याय दोहरा नहीं होता, वो न्याय सभी के लिए समान होता है। अगर इस कोरोना से बचना है तो अभी भी मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, अपने पाप कर्मों को बंद कर दें। हमें विश्वास है कि ईश्वर हम सबकी रक्षा जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।